Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. तो हम लोग देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र का सूत्र नंबर 37। तो इसमें हमने देखा था ये वाला सूत्र, लोके अपि भगवत गुण श्रवण कीर्तनार्थ, यानी जस्ट भगवान के श्रवण और कीर्तन करने से, उनके गुण के कीर्तन करने से, श्रवण करने से हमारी भक्ति बढ़ सकती है, भले ही हम लोग अपने जीवन में कितने ही व्यस्त क्यों ना हो। तो हमने अर्जुन का एग्जाम्पल देखा था, उसके लिए कैसे अर्जुन अपने कार्य में बिजी रहते हुए भी भगवान उनको युद्ध करने का तो उपदेश देते हैं। और फिर हमने दो एग्जाम्पल देखे थे कि हाउ टू परफॉर्म स्मरण, एक था पिता का जो इसका बेटा बीमार है, तो कैसे हमेशा वो बैक ऑफ द माइंड अपने बच्चे के बारे में सोचते रहते हैं। दूसरा जो था इसके एक लेडी का जिसका एक्सटर्नल अफेयर, तो हाउ दे आर ऑलवेज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग, वैसे ही हम लोगों को भी कॉन्स्टेंटली जो है हम लोगों को भगवान के बारे में, उनके लीला के बारे में स्मरण करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, नो वन कैन ऑनेस्टली से ही हैज एब्सोल्युटली नो टाइम टू डिवोट टू श्रवणम एंड कीर्तनम। तो कोई भी ये नहीं कह सकते कि नहीं, मेरे पास श्रवण करने के लिए टाइम नहीं है, मेरे पास कीर्तन करने के लिए टाइम नहीं है। इवन द बिजीएस्ट पीपल फाइंड टाइम डेली टू गो थ्रू न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। तो सबसे जो बिजी से बिजी लोग हैं वो लोग भी अपना न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, मैगजीन्स पढ़ने के लिए, या अपना कुछ मनचाहा टीवी सीरियल देखने के लिए, या कुछ बात करने के लिए टाइम निकाल लेते हैं। मच ऑफ दिस टाइम कुड बी स्पेयर्ड फॉर भक्ति योगा, और ये टाइम जो है हम लोग भक्ति योग के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इवन व्हेन वी आर वर्किंग एट द ऑफिस और फैक्ट्री, इफ वी आर डोनेटिंग अ पोर्शन ऑफ आवर अर्निंग्स टू कृष्णा, वी मे थिंक कृष्णा हैज असाइंड मी दिस पर्टिकुलर ड्यूटी। तो जब हम लोग ऑफिस में या फैक्ट्री में भी अगर हम लोग व्यस्त हैं, तो अपना सैलरी का कुछ हिस्सा अगर हम भगवान को देते हैं, तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि कृष्णा ने ही मुझे ये ड्यूटी दी है। तो इस तरह से जो है हम लोग अपना दिन का कार्य भी हम लोग जो है उसको भगवान को समर्पित कर सकते हैं। आगे कहते हैं, इफ डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट्स अ डिवोटी फाइंड्स हिज सोशल एंड ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज ओवरवेलमिंग, ही शुड कंसिडर लिविंग इन अ डिफरेंट वे। यहाँ पे कहा गया है कि अगर इतना कोशिश करने के बाद में ही उसको उसकी जो सोशल और ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज अगर उसको ओवरवेलमिंग, व्हाट विल यू से एग्जैक्ट, उसको ज्यादा हैवी लग रही है, तो उसने दूसरी तरह से अपना जीवन यापन करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि भक्त जो है वो अपने भक्ति में समय गुजारना चाहता है, लेकिन कभी कभी उसके जो सोशल ड्यूटीज है या ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज है वो बहुत सारा टाइम ले लेती है, और ऐसा लगता है कि दिस इज टू हैवी, तो उसको अपना दिनचर्या बदलने की गरज है। वन शुड अवॉइड उग्र कर्मा, तो हमें
या हर किसी को जो है उग्र कर्म जो है उसको कंप्लीटली हमको उसको अवॉइड करना है। वर्क और उग्र कर्म क्या है? वर्क दैट कंप्लीटली सैप्स वन ऑफ ऑल हायर एनर्जी एंड पावर्स इंफॉर्मेशन। तो उग्र कर्म क्या है, यहाँ पे बता रहे हैं कि जो पूर्ण रूप से हमारा जो एनर्जी है, यानी जो हायर एनर्जी है, जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, वो पूर्ण ले लेता है। हमारा जो पायस इंक्लिनेशंस, यानी जैसे मंदिर जाने की इच्छा है, कुछ भगवान के बारे में सुनने की इच्छा है, कुछ भगवद गीता पढ़ने की इच्छा है, ये पूरा इंक्लिनेशन मार देता है। तो ऐसे प्रकार का जो उग्र कर्म है, हम लोग को कंप्लीटली इसको रोक देना है। वो हर किसी के लिए उग्र कर्म अपना अपना कुछ डिफरेंट हो सकता है। जैसे कुछ लोग जो है पार्ट टाइम ड्यूटी करते हैं, और इट कैन बी एनीथिंग। तो हर प्रकार से जो उग्र कर्म है अपने को आइडेंटिफाई करना है और उसको हमको पूरी तरह से रोकना है, जो हमको हमारा जो हायर एनर्जी पूरी तरह से छीन लेता है, या वो इंक्लिनेशन छीन लेता है, उससे हमको दूर रहना है। श्रीमद भागवतम में नारद मुनि जी युधिष्ठिर महाराज को उपदेश करते हैं कि वन शुड वर्क, हमें कार्य करना है, अपना काम करना है। क्यों? तो वो कहते हैं टू अर्न हिज लाइवलीहुड एज मच एज नेसेसरी टू मेंटेन बॉडी एंड सोल टुगेदर। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को क्या उपदेश कर रहे हैं कि हमें काम करना है, लेकिन उतना ही जिससे मेरा शरीर और मेरी आत्मा मेंटेन हो। तो जस्ट हमको अपना बॉडी मेंटेन करने के लिए जितना हमको लगता है कार्य, उतना ही करना है, जिससे यानी उतना ही सैलरी के लिए काम करना चाहिए जिससे हमारा पेट भर जाए, हमारा शरीर और आत्मा बना रहे हमारा, उतने लिए। बट लेकिन हम लोग जब लोभ करते हैं, हम लोग जब लालच करते हैं, तो मुझे BMW भी चाहिए, एक 4-bedroom बंगला चाहिए, एक डुप्लेक्स चाहिए, ऐसा आईफोन 14 प्रो चाहिए, फिर हैंकर हम लोग अगर इसके लिए करते हैं तो दैट इज गोइंग टू टेक अवे आवर अननेसेसरी टाइम। उसके लिए देन वील वर्क एक्स्ट्रा फॉर दैट डिजायर्स। तो ये नारद मुनि जी यहाँ पे हमको पूर्ण रूप से मना कर रहे हैं। तो यहाँ पे आगे कह रहे हैं एन इंटेलिजेंट मैन इन ह्यूमन सोसाइटी शुड मेक हिज प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज वेरी सिंपल। तो एक जो बुद्धिमान मनुष्य है वो अपने सारे जो कार्य है एकदम सिंपल रखता है, नॉट टू कॉम्प्लिकेटेड। ये श्रीमद भागवतम के 7वें स्कंद के 14वें अध्याय का श्लोक नंबर 5 और 6 है। विल जस्ट रीड दैट ट्रांसलेशन, सॉरी ये वहां पे नहीं जा रहा है, क्यों आई डोंट नो। 7:14:5 एक मिनट, जस्ट रीड द ट्रांसलेशन श्रीमद भागवतम 7:14। स्केच हेडिंग है आइडियल फैमिली लाइफ। वाह, ऐसे एक आदर्श पारिवारिक जीवन जीना है। 4 and 5, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नॉट रीड द श्लोका। अ गृहस्थ मस्ट एसोसिएट अगेन एंड अगेन विद सेंटली पर्संस एंड विद ग्रेट रिस्पेक्ट ही मस्ट हियर द नेक्टर ऑफ एक्टिविटीज ऑफ सुप्रीम लॉर्ड एंड हिज इनकार्नेशंस एज दिस एक्टिविटीज आर डिस्क्राइब्ड इन श्रीमद भागवतम एंड अदर पुराणस। दस वन शुड ग्रेजुअली बिकम डिटैच फ्रॉम अफेक्शन फॉर हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन एग्जैक्टली लाइक अ मैन अवेकनिंग फ्रॉम अ ड्रीम। तो 7वें स्कंद में एक गृहस्थ के लिए जो उपदेश है वो तो थोड़ा सा यहाँ पे कह रहे हैं कि एक गृहस्थ को जितना हो सके उतने साधु या ऋषि मुनि है, भक्त है, वैष्णव है, उनका संग करना चाहिए और पूर्ण आदर के साथ उनको भगवान की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, उनके जो
अवतार है उनके बारे में सुनना चाहिए, जैसे श्रीमद् भागवतम और दूसरे पुराणों में कहा गया है, और धीरे धीरे अपने घर परिवार बच्चे बीवी इनसे थोड़ा सा हम लोग को विरक्ति उत्पन्न करना है, वैसे ही जैसे एक मनुष्य स्वप्न से जागृत हो रहा है। एंड श्लोका नंबर 5 में कह रहे हैं, वाइल वर्किंग टू अर्न हिज लाइवलीहुड एज मच एज नेसेसरी टू मेंटेन बॉडी एंड सोल टुगेदर, वन हु इज एक्चुअली लर्नड शुड लिव इन ह्यूमन सोसाइटी अनअटैच्ड टू फैमिली अफेयर्स ऑल्दो एक्सटर्नली अपीयरिंग वेरी मच अटैच्ड। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं आगे कि हमको काम करना है लेकिन सिर्फ अपने शरीर और अपने आत्मा को बनाए रखने के लिए, इतना कि हमारी आत्मा शरीर को न छोड़ दे, बस हम लोग को भूखा नहीं रहना है या ज्यादा ये नहीं करना है, इतना ताकि हम लोग आराम से भरपेट खाना खा सके और अपने देह को मेंटेन कर सके। तो ये यहाँ पे कहा गया, और यहाँ पे कह रहे हैं आगे, वन हु इज एक्चुअली लर्न, और जो एक विद्वान है उसने मनुष्य समाज में अपने फैमिली अफेयर्स से अनअटैच्ड यानी विरक्तिपूर्ण अपना पारिवारिक जो भी कार्यकलाप है उसको करना चाहिए, बाहर से भले ही वो अटैच्ड लगे, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए घर परिवार को, अरे यार मेरा हस्बैंड तो मुझे देखता ही नहीं है, अरे मेरी वाइफ तो मुझे देखती ही नहीं है, या बच्चे माता पिता से परेशान है, ये लोग खाली जब करते रहते हैं हम लोग को देखते नहीं। नो नॉट लाइक दैट, अपना जो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो पूरा करते हुए हम लोगों को जीवन जीना है, लेकिन विरक्त रहना है कि बस ये जो है मेरा कार्य है मुझे करना है और भगवान का भक्ति करना है। सो दिस आर टू वेरी नाइस इंस्ट्रक्शंस जो यहाँ पे इस श्लोक में कोट किया गया था। वी गो बैक टू नारद भक्ति सूत्र, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, सॉरी कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने बहुत सारा जीवन उन्हें एक कृष्ण कॉन्शियस बिजनेसमैन की तरह उन्होंने अपने बिताए जीवन पे, और ही सेड दैट देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ स्टॉपिंग ऑल एक्टिविटीज, और ये सब गतिविधियां रोकने का जरूरत है, ऐसा नहीं था प्रभुपाद जी ने सब बच्चों को छोड़ दिया बीवी को छोड़ दिया, ऐसा नहीं था, ही वाज बिजनेस कर रहे थे, घर परिवार भी देख रहे थे, संसार भी चला रहे थे, बट ही वाज नॉट अटैच्ड। फिर आगे कहते हैं, जस्ट एज देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ वाइपिंग आउट वन्स टेम्परेचर ऑल टुगेदर व्हेन ट्राइंग टू रिकवर फ्रॉम अ फीवर, तो जैसे अगर हमको बुखार है तो सडनली हम लोग जो है वो 104 या 105 का जो बुखार सट से हम लोग एक इसमें हम लोग झटके में हम लोग नहीं उतार सकते, वैसे ही ये जो पारिवारिक जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको धीरे 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 हमको इसको इससे विरक्त होना है। बुखार का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं, इफ वन हैज अ फीवर ऑफ 105 डिग्रीज फारेनहाइट वन शुड केयरफुली डिक्रीज इट टू द नॉर्मल टेम्परेचर, अगर किसी को बुखार है 105 तो उसको धीरे धीरे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर लेके आना है और उसको वहां पे मेंटेन करना है। प्रभुपाद जी कहते हैं जो बड़े महान ऋषि मुनि हैं भारत के, वांटेड टू मेंटेन अ नॉर्मल टेम्परेचर बाय बैलेंस प्रोग्राम ऑफ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल नॉलेज, तो वो लोग जो अपना आध्यात्मिक और भौतिक जो प्रोग्राम है उसको बैलेंस करके रखते थे, दे नेवर अलाउड मिसयूज ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस फॉर डिसीज्ड सेंस ग्रेटिफिकेशन, वो कभी भी डिसीज्ड सेंस ग्रेटिफिकेशन यानी बहुत ही वी कैन से इंद्र तृप्ति, बहुत ही घृणित इंद्र तृप्ति है उसके लिए कभी भी अपनी बुद्धि यूज नहीं करते हैं। और हम लोग देखें ये अभी आई थिंक लास्ट 40-50 ईयर्स में इतना चेंज आया, लेकिन इसके पहले का अगर जीवन देखें हमारे जो पिताजी या हमारे दादा परदादा, दे वर लिविंग ए वेरी सिंपल लाइफ, उनके पास कोई ऐसा बड़ा ये नहीं था, बस अपना परिवार चलाने के लिए चलाते थे, और शाम को वो लोग जो भी उनका गांव था या जहाँ पे भी रहते थे वो सब शाम को मिलके भगवान की चर्चा किया करते थे, भगवान का
स्मरण किया करते थे। तो कभी भी इन्होंने इंद्र तृप्ति के लिए अपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। और ये लिया है ईशोपनिषद के 11वां जो मंत्र है उसके तात्पर्य से। मोस्ट पीपल गिव द हाईएस्ट प्रायोरिटी टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन, रिलीगेटिंग रिलीजन टू अ सपोर्टिव एक्टिविटी। तो बहुत से आजकल के जो बहुत से लोग हैं, ज्यादातर लोग सबसे ज्यादा अर्थ और काम इसको महत्व देते हैं, और धर्म सिर्फ एक सपोर्ट के लिए। जैसे अगर थोड़ा सा धर्म करेंगे तो थोड़ा सा अर्थ मिलेगा, अर्थ मिलेगा तो थोड़ा सा काम कामना जो है हमारी पूर्ण होगी, हम इंद्रिय तृप्ति कर पाएंगे, तो वजह से उसके लिए करें। लेकिन पहले जो पहले के जमाने में धर्म अर्थ काम और मोक्ष में धर्म को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया कर जाता था, लेकिन अभी अर्थ और काम इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं लोग। उसका पूरा जो फोकस है जीवन का पूरा बदल गया। बट एक्चुअल रिलीजन सेल्फ रियलाइजेशन शुड कम फर्स्ट। तो एक्चुअल में धर्म जो है आत्म साक्षात्कार है, इससे पहले आना चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड ओनली टू मेंटेन बॉडी इन साउंड हेल्दी कंडीशन। तो अर्थ जो है सिर्फ अपने शरीर का जो है भरण पोषण करने के लिए, उसको सेहतमंद रखने के लिए उसको यूज किया जाता था। तो वेरी नाइस परपट। मैं रुकता हूँ यहाँ पे। किसी का कोई क्वेश्चन है या एडिशनल कमेंट्स से डाउट से तो लेते हैं हम लोग। हरे कृष्णा। यस माता जी, वही माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर बट एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, राइट प्रभु जी? बिकॉज कैसे हमें पता चलेगा कि दिस मच इज इनफ, एंड व्हेन देयर आर अदर पीपल इन्वॉल्वड आल्सो, यू नो, कैसे हम यू नो हाउ डू वी से दैट इतना काफी है, यू नो, इट इज लाइक लेट्स स्टॉप हियर, एंड रिलीजन के लिए यू नो वी हैव टू डिवोट दिस मच टाइम। Yeah, very nice and very apt thought, Mataji. I think it will give chance to everybody to speak on this. We'll start with somebody. आपको क्या लगता है? माताजी कह रही हैं हम लोग को कैसे पता चलेगा कि बस मुझे इससे ज्यादा पैसा नहीं कमाना है, इतना बस हो गया। कहाँ पे हम लोग वो लाइन ड्रॉ करेंगे? Would anybody like to share? या आप अपने बारे में बोल सकते हैं, मुझे 100 करोड़ कम बस हो गया, मुझे 50 करोड़ बस हो गया, what is your thought on it? हरे कृष्ण। या थैंक यू प्रभु, वेरी नाइस रियलाइजेशन। या जैसे सूरत माधव और जया ने अभी ज्वाइन किया है, फॉर देम आई थिंक उनको आइडिया आ गया होगा हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, बट स्टिल फॉर देयर नॉलेज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग को कहाँ पे जो है अपना उग्र कर्म रोकना है, और कहाँ पे हम लोगों को जो है ज्यादा डिवोट टाइम डिवोट करना है। हाउ विल यू ड्रॉ अ लाइन, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे उद्धव पृष्ठ प्रभु, व्रजप्रिया माता जी, सनातनी ताई प्रभु ने बहुत अच्छे से शेयर किया, और भी कोई शेयर करना चाहे, आई थिंक सूरत माधव प्रभु इज ऑल्सो वेरी गुड कैंडिडेट, ही कैन ऑल्सो शेयर। हरे कृष्ण प्रभु, धनुत नाम। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। यस प्रभु, मैं उद्धव पृष्ठ प्रभु एंड व्रतप्रिया माता जी, अभी सब सनातन इत्या प्रभु सब जब बोल रहे थे सुन रहा था प्रभु, तो आई गॉट अ आइडिया। एंड जस्ट एक्चुअली प्रभु, अगर हम शास्त्र में भी देखेंगे, नॉट टू फार, जस्ट तुकाराम महाराज इज अ मोस्ट अमेजिंग एग्जांपल प्रभु। तुकाराम, हम लोग उनको टोटली कॉपी नहीं कर सकते, बट अगर एक रोल मॉडल चाहिए हमको, डिटैच्ड हाउस होल्डर एंड टोटली डिपेंडेंट ऑन लॉर्ड, टोटली डिपेंडेंट, क्योंकि उनका अगर पूरा लाइफ देखेंगे
उनका को कभी मतलब फॉर हिम एवरीथिंग वाज डिपेंडेंट ऑन लॉर्ड, बिकॉज अभी हम लोगों ने बहुत कुछ शेयर किया, बट उनके लिए हर चीज़ मतलब वो इतने डिपेंडेंट थे कि कुछ बुरा भी होता था उनका चेहरे का जो क्या कहते एक्सप्रेशन वही है, और कुछ अच्छा भी होता है वही है, क्योंकि ही मतलब इतने डिपेंडेंट है लॉर्ड के कि ही इज़ विथ लॉर्ड ऑल द टाइम, तो उनके लिए मतलब कुछ बुरा और कुछ सही ऐसा नहीं है, ही इज इक्विपॉइज जो होते ना तो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। तो इवन जब उनका उनका घर छीन लिया गया, वो खेत का नुकसान है बोल के, तब भी वो ही इज टोटली मतलब बिल्कुल कोई शिकायत नहीं, और जब भगवान भर भर के देते तब भी ऐसा नहीं कि देखो भगवान ने मेरे लिए क्या क्या किया, ही इज वो टाइम भी उनका चेहरे का एक्सप्रेशन वही है, बिकॉज उनको पता है कि लॉर्ड इज देयर। तो आई फील मतलब उनसे हम बहुत सीख सकते हैं तुकाराम महाराज से, मतलब एक्चुअल जो सरेंडर एंड एक्चुअल प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड एंड एक्चुअल डिपेंडेंस ऑन लॉर्ड, मतलब ही नेवर कभी भी उन्होंने कुछ भी अपना ही नेवर ओन्ड एनीथिंग, ही ओनली फेल्ट कि सारा विट्ठल का है एंड आई एम जस्ट हियर, मतलब नॉट इवन फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ मोमेंट इन हिज लाइफ ही मास्टर थॉट कि ये मेरा घर है, ये एवरी सिंगल मोमेंट ही सेड आई एम जस्ट हियर टू सर्व द लॉर्ड। तो जो भी हो रहा है इट इज़ गुड, मतलब इवन कैलेमिटी ही उनका एक्सप्रेशन वही है, मतलब विट्ठल, और कुछ भगवान उनके जीवन में कुछ खुशियाँ लाते वो ऐसे नहीं कि एकदम खुश होकर सबको बोलते हैं कि देखो मैं भगवान का भक्ति कर रहा हूँ इसलिए भगवान ने मुझे ये करके दिखाया वो करके दिखाया, वहाँ पे भी इज जस्ट नॉर्मल, क्योंकि उनको पता है कि भगवान है, तो कभी उनसे दूर थे ही नहीं। तो हम लोगों को भी वो स्टेज पे पहुँचना है वे वी सी एवरीथिंग एज अ मिरेकल ऑफ लॉर्ड, ऐसा नहीं कि कुछ बुरा हो कि फिर अच्छा हुआ तो फिर भी टेल देखो मैंने भक्ति की इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा था और भगवान ने बचाया, नहीं जब बुरा भी हो रहा तभी भी भगवान ही बचा रहे हैं, और जब अच्छा होते दैट टाइम ऑल्सो वी आर नॉर्मल ओनली, मतलब हमको वी डोंट फील लाइक कि सबको बताना, क्योंकि वी आर फीलिंग द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड एवरी सिंगल मोमेंट। तो मुझे सही में तुकाराम महाराज इज अ वेरी वेरी एकदम परफेक्ट रोल मॉडल है हमारे लिए। थैंक यू प्रभु फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। ओके तो या जैसे आई थिंक वेजी माता जी का जो था कि कहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है हम लोगों को, तो एक चीज तो है जैसे ब्रजप्रिया माता जी ने कहा कि जैसे हम लोग भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे जो है हमारा क्या बोलते हैं स्पिरिचुअल लेवल बढ़ता है और फिर ऑटोमेटिकली आसक्ति कम होता है, तो वो एक पॉइंट है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली हम लोगों को उतना वेट नहीं करना है हम लोगों को भी, हम लोग मतलब फिलोसफी सीख रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इट्स रियली हाई टाइम हम लोग जैसे हम लोगों ने जिसने 50 क्रॉस किया है एटलीस्ट वी शुड बी अलर्ट अभी कि हाँ अभी हम लोगों को जो है भगवान के लिए ज़्यादा टाइम देना है, वी हैव टू स्पेंड मोर टाइम डूइंग सर्विंग द लॉर्ड, चाहे जैसे भी हो जो भी हमारे अंदर कला है, प्रीचिंग का हो या कीर्तन का हो या जैसे भी है, वी हैव टू डू, जैसे सनातनी ते प्रभु ने भी शेयर किया कि उनका ऑलरेडी प्लान था लेकिन बेटी की वजह से ही हैज पोस्टपोन्डेड दैट फॉर सम कपल ऑफ ईयर्स एंड दैट इज नॉट आई विल से एक्सटेंडिंग बट ही इज डूइंग हिज ड्यूटी, अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पूरा कर रहे हैं, वी कैनॉट रन अवे फ्रॉम आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं नहीं मेरे को तो भक्ति करना है तो तेरा अपना पढ़ाई करना है तो कर, नहीं तो नहीं करना है तो मत कर, नो दैट इज नॉट करेक्ट एटीट्यूड। हाँ ये मतलब वो भी अच्छा भगवान का भक्त है तो इफ ही स्टैंडिंग ऑन हिज फीट अच्छे से हो जाता है तो दैट विल बी ए नाइस एसेट भगवान की सेवा में, और एक जो है अच्छा भक्त विद लॉट ऑफ गुड डिग्रीज एंड लॉट ऑफ हायर पोजिशंस, और वो जब प्रीचिंग करेगा तो बहुत इफेक्ट होगा, सो दैट विल हेल्प बोथ प्रभु एंड तोशर ऑल्सो। सो
extending is a nice decision what Prabhu has taken. And ऐसे ही करना है हम लोग को, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे थे इसमें कि अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करते हुए हम लोगों को भक्ति करना है. तो सनातनी दया प्रभु इज ए वेरी गुड एग्जाम्पल. और जैसे मैंने भी अभी तक सबसे शेयर नहीं किया, लेकिन माय प्लान्स इज आल्सो, और ज्यादा नहीं बस अनदर आई डोंट नो, मतलब जब तक प्रेमावती का शादी नहीं हो जाता तब तक, एंड देन सेटल बैक इन वृंदावन. वृंदावन में जाके गुरु महाराज का कुछ सेवा कर सके, वहाँ पे भक्तों का कुछ सेवा कर सके, कुछ वट एवर, मतलब अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम चैतन्य चरितामृत और इतने अच्छे अच्छे जो प्रभुपाद जी ने बुक्स दिए हैं उसमें टाइम स्पेंड करना, और अच्छे से शास्त्र समझना और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना लाइफ में, और सेवा करना भक्तों का जिस प्रकार भी हो सके, यही अपना एक एम है. तो वेजी माता जी, वी कैन से दैट इट इज नॉट ब्लैक एंड वाइट की ऐसे ही करना है या वैसे ही करना है, बट इट इज इट्स ओन इंडिविजुअल. वी आर सेइंग डिफरेंट केसेस, जैसे सनातन निताई प्रभु है, व्रज प्रिया माता जी है, myself, they have their own responsibilities. So taking care of that, वो देखते हुए हम लोग को we have to decide. Okay, ठीक है. Now like for सनातन नित्य प्रभु, उनके बेटे का studies is the boundary. For me, my daughter's marriage is the boundary. वो हो गया, then just बस सब छोड़ो और अपना वृंदावन धाम भागो and serve our spiritual master and serve sannyasis and devotees. So similarly, we all need to draw a line, boundary, अपना responsibilities का, where is my boundary? We need to search that. कोई बताएगा नहीं हम लोग को, हम लोग खुद को ढूंढना है कि मेरा boundary कहाँ पर है. For some, maybe 10 lakhs is enough, but for some, then 50 crore may not be enough. So it's all individual, say their responsibilities. And we need to check on our own responsibility and we need to take the decision. I hope that answers your question, Vijay Mataji. Yeah, Uddhav. Oh, yes, Prabhuji, thank you. You know, everybody sharing their personal experience is actually very touching. And it has also given me a sense of, how to approach things. But ultimately, you know, what I'm realizing is, so dharma, kama, artha. So the more dharma bit increases, automatically the kama and the artha bit will go down. Yes. Correct. And that limit is, it depends on each person's situation and, what they're going through. Thank you, Arjun. Really touched that everybody shared. It's like a thank you so much, Hare Krishna. Yeah, but we should not wait for dharma to increase on its own. We need right. to increase our dharma level. We need to study more. We need to, we are doing Bhakti Shastri, doing Sadhu Sangha morning 45 minutes, evening more than 1 hour. So we have to increase our understanding on that and then we have to jump. We don't need to wait. Many people, like I just today, एक मैं राधा गोविंद महाराज जी का लेक्चर सुन रहा था, तो बोल रहे थे यार जब भगवान कृपा करेंगे तब मैं जब शुरू करूंगा. So that should not be attitude. When Lord will give His grace, I will start doing it. No, we need to increase our spirituality. Hare Krishna. Hare Krishna.